श्री भगवान उवाच, अभयं सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायः तपार्जवम् अहिंसा सत्यं क्रोध त्यागः शान्तिः पैशुनम् दया भूतेष्वलो लुप्त्वम् मार्द्वम् रीचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं देवीम् अभिजातस्य भारत। अर्थात श्री भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। दंभो दर्प अभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं च अभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। अर्थात यहाँ पर श्री भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, हे प्रथा पुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान, ये आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। दैवी संपद विमोक्षाय निबंध्यासुरी मता मा सुचह संपदं देवीं अभिजातोसी पांडव। अर्थात यहाँ पर श्री भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए है। हे पांडु पुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। तो भूत सर्गो लोकेस्मिन् देवः असुरेव च दैवो विस्तर सह प्रोक्तः आसुरं पार्थमे शृणु। अर्थात यहाँ पर श्री भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, हे प्रथा पुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, दैवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूँ, अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनान विदुरासुरः न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। अर्थात यहाँ पर श्री भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, जो आसुरी है वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न तो पवित्रता, न उचित आचरण और न ही सत्य पाया जाता है। असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यात काम हैतुकम। अर्थात यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह कामेच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त
कोई अन्य कारण नहीं है। एताम दृष्टिम वष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्र कर्मणः क्षयाय जगतो अहितः। अर्थात यहाँ पर श्री भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन हैं, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। कामम आश्रित्य दुष्पुरम दंभमानमदान्वितः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्रहान् प्रवृतन्ते सुचिव्रतः। अर्थात यहाँ पर श्री भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। चिन्ताम परिमेयां च प्रलयान्ताम उपाश्रितः कामोपभोग परमः एतावदिति निश्चितः आशा पाश सतेः बद्धा काम क्रोध परायणः इहन्ते काम भोगार्थम् अन्ययेनार्थ संचयान्। अर्थात यहाँ पर श्री भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, उनका अर्थात आसुरों का विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंध कर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्ष्ये मनोरथम् इदम् अस्तिम् इदम् अपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असो मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहम् अहम् भोगी सिद्धोऽहम् बलवान् सुखी आढ्योऽपि जानवान् अस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिश्य इत्यज्ञान विमोहितः। अर्थात यहाँ पर श्री भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा, इस समय मेरे पास इतना है किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा, वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे, मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं सिद्ध शक्तिमान तथा सुखी हूँ, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी है, कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है, मैं यज्ञ करूँगा दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृतः प्रसक्ताः काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च। अर्थात यहाँ पर श्री भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोहजाल में बंध कर वे
इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। आत्म संभविता स्तब्धा धनमान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञेस्ते दम्भेना विधि पूर्वकम्। अर्थात यहाँ पर श्री भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रितः मामात्पर देहेषु प्रद्विषन्तोभ्यसूयकः। अर्थात यहाँ पर श्री भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, मिथ्या अहंकार बल दर्प काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्त्रम् अशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु। अर्थात यहाँ पर श्री भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर है और नराधम है, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में डालता रहता हूँ। आसुरीम योनिमापन्नः मूढ़ जन्मनि जन्मनि माम प्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। अर्थात यहाँ पर श्री भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक पहुँच नहीं पाते, वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। त्रिविधम नरक श्येदम द्वारम नासन मात्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मादेतत्र्यं त्यजेत। अर्थात यहाँ पर श्री भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, इस नरक के तीन द्वार है, काम क्रोध तथा लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। एतेह विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारे त्रिभिर नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति पराम गतिम्। अर्थात यहाँ पर श्री भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है, वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। यह शास्त्र विधि मुसृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम्। अर्थात यहाँ पर श्री भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि न सुख न ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है। तस्माक्षास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम
कर्म कर्तुमिहार्हसि, अर्थात यहाँ पर श्री भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके।